अगर वो औरत घर में नहीं है तो आपके घर के हालात देख के पता चल जाएंगे, बच्चों के हालात जो होंगे, घर का होगा, है ना, बेडशीट भी बदलने के लिए कोई नहीं होगा, एक बेसिक चीज़ है ये, है ना। दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 1989, शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ ऑल टाइम एंड इज नोन एज क्वीन ऑफ मेलोडी। शी वॉन 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, हर मास्टरपीस ऐ मेरे वतन के लोगो स्टिल ट्यून्स इन मिलियन हर्ट्ज़। थैंक यू। लेकिन माँ की बात कर लें आप, अगर तबीयत खराब भी होती है तो क्या पता चलता है वो किस तरह से लगी हुई होती है घर के कामों में? नहीं पता चलता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, बाहर से कभी कोई आया, कभी किसी ने ये भी कह दिया कि घर में काम ही क्या है। मैं अभी प्रोफेशनल, शी इज़ अ ग्रेट बॉक्सिंग चैम्पियन ऑफ ऑल टाइम एंड द ओनली बॉक्सर टू विन 8 वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल। ये 8 बार बॉक्सिंग में जीती हैं। ये भी देख सकते हैं कि जैसे जो लेडीज़ होती हैं कभी भी वो चीज़ों को इन्जॉय नहीं कर पाती हैं, इतने काम होते हैं उनके पास, कहती हैं अभी टाइम नहीं है। Mother Teresa, she was a nun and a great philanthropist. She was born on 26th August 1910. She was awarded by Nobel Peace Prize in 1979 and she was also awarded by Roman Magsaysay Peace Prize in 1962. She died on 5th September 1997. Thank you. She founded the missionaries which looked after orphans, sick and helped to the poorest of the poor. Thank you. Scott King, Coretta Scott King, American author, activist and civil rights leader. She was wife of Martin Luther King Jr. BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नो से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। ये ब्लॉम्बर्ग स्कूल है जो कि सीमान रोड में पड़ता है, बड़ा सा बिल्डिंग होगा। आप देखिए जितने लड़कियां हैं, लड़के हैं, आज जो कि 8 तारीख को वुमेंस डे था तो वक्त नहीं मिल पाया इन लोगों को, तो आज इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और जो भी खूबियां हैं, जैसे डॉक्टर लोगों के पास कोई दवा के एडवर्टाइजमेंट करने के लोग जाते हैं, कैसे वो लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं वही लोग समझते हैं, लेकिन बच्चे जो बच्चियाँ हैं ये तमाम लोग समझा रहे हैं। मदर टेरेसा के बारे में ये बताएंगी, ये क्या है, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक बना दे दीवार पर है कहीं? सर ये पोस्टर एग्जीबिशन है, हम लोगों ने ये लगाया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, इससे इंस्पिरेशन ले, वो खुश हो और कुछ सीखे। मदर टेरेसा के बारे में क्या है? मदर टेरेसा, शी वॉज अ नन एंड अ ग्रेट फिलेंथ्रॉफिस्ट। शी वॉज बॉर्न ऑन 26th August 1910। शी वॉज अवार्डेड बाई नोबल पीस प्राइज इन 1979 एंड शी वॉज ऑल्सो अवार्डेड बाई रोमन मैगसेसे पीस प्राइज इन 1962। She died on 5th September 1997. Thank you. She founded the missionaries which looked after orphans, sick and helped to the poorest of the poor. Thank you. What's your name? My name is Rifat Javed. Your good name? My name is Falak Ahmed. Falak. तो देखिए ये बच्चे जैसे रेडियो की तरह होता है वैसे तमाम बातचीत कर रहे हैं। अब जो कि इंदिरा गांधी है, देश के चर्चित चेहरा है, इंदिरा गांधी के बारे में क्या? ये है इंदिरा गांधी, शी वॉज बॉर्न इन 1917 एंड लिव्ड अंटिल हर असैसिनेशन इन 1984। Well known for establishing political supremacy and served as the third Prime Minister of India. Thank you. Your good name? Yes, sir. Your good name? My name is Laba Haq. My name is Zinat Fatima, class 5. Okay, अब हम जो कि लता मंगेशकर थे, हम जानेंगे कौन बताए, आप बताइएगा, जो कि देश के बहुत बड़ी सिंगर थी, जो वाकई में जो इनका आवाज़ था, इनके बारे में तमाम ऐसे बनाया गया। यहाँ पे बच्चे सब ये इसको ये किए हैं कि बच्चे सब इंस्पायर होंगे इसे देखकर कि हमारे देश में महिलाएं हैं जो कि हम लोग वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं, जो कि महिलाएं वहाँ तक कर गुजारी हैं। ये स्कूल का काफ़ी अच्छा हमें ये लगा, स्ट्रक्चर लगा इसके, लोग यह कर रहे हैं इस तरह के, क्या है बताइए? लता मंगेशकर, she was playback singer and born on 26th September 1929 and died on 6th February 2022. She was awarded with Bharat Ratna Padma Bhushan and Padma Bhushan. She was also awarded with Dada Saheb Phalke Award in 1989. She is one of the greatest playback singer of all time and is known as Queen of Melody. She won 3 National Film Awards. Her masterpiece, Ae Mere Watan Ke Logo, still tunes in million hearts. Thank you, sir. My name is Sara Firoz. Yes, sir. किसे बच्ची है? आज बड़े इधर जाओ। जो कि मैरी कॉम बनाई है, इनका चेहरा बनाई है और इनके बारे में ये बताएगी, इनकी खूबियाँ क्या था, इनका ये क्या था, क्या है मैरी कॉम, इनके बारे में क्या है, कोई जानकारी है बताइए। शी इज अ
She is a great boxing champion of all time and the only boxer to win 8 world championship medal. ये 8 बार बॉक्सिंग में जीती हैं। अच्छा यार और बॉक्सिंग में जीती हैं एक महिला होकर ही। इतना बड़ी आई है। अब आइए। Mary Kom, she is a boxer. She was born on 24th November 1982 in Manipur, India. She is Rajya Sabha MP. She was awarded with Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Khel Ratna and Arjuna Award also. She is the only woman to win World Amateur Championship 6 times. She is the only boxer, male or female, to win 8 World Championship medals. She is also an animal rights activist. Name? Bushra Miraz. स्कॉट किंग कॉलेटर स्कॉट किंग का बर्थ 27 अप्रैल 1927 को हुआ था और डेथ जनवरी 30 2006 में हुआ था कॉलेटर स्कॉट किंग अमेरिकन ऑथर एक्टिविस्ट एंड सिविल राइट्स लीडर शी वाज वाइफ ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड एडवोकेटेड फॉर अफ्रीकन अमेरिकन इक्वालिटी जानेंगे आखिर इसका हौसला क्या होगा ऐसे बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के इंस्पायरेशन में कितना मतलब उत्साह आएगा उनके लाइफ में क्या कुछ फ़ायदा होगा मैम बताएंगे चूँकि जब कोई भी घर बनता है तो उसको रीज़न ज़रूर होता है क्यों घर को बनाया जा रहा है मैम जो बच्चे काफ़ी दिनों से इस तरह से प्रिपेयर किए होंगे रिमेंबर किए होंगे क्या फ़ायदा होगा क्योंकि इससे आप देख सकते हैं कि आज जो बच्चे यहाँ खड़े हैं इन्होंने इतनी मेहनत की है कि सब सारे लोग यहाँ एक्साइटेड भी दिख रहे हैं आपको प्लस इनमें कॉन्फिडेंस भी आपको दिख रहा होगा बच्चों में कि वो किस तरह से सबसे बात कर रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ऐसी क्रिएटिविटी है जो कि होते रहने चाहिए बच्चों के में आइडियाज़ डेवलप होंगे इससे और इनमें कॉन्फिडेंस आएगा ये सारी चीज़ें हैं पहले का जो स्कूल होता था इस तरह से डेवलप नहीं किया जाता था आप भी पहले क्लास क्यों आपने क्लास में कब किया तो पहले जो चीज़ें थी वो ट्रेडिशनल मेथड्स थे ठीक है पर आज के ज़माने से मतलब जो ज़माना है बदल रहा होता है तो हमें उसके हिसाब से चीज़ों को अपडेट करना होता है तो हम जैसे थे चीज़ों को अपडेट करेंगे उससे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में चेंजेस आएंगे हमें अपने एजुकेशन की पॉलिसी को भी चेंज करना होगा तो मैम साइंस को भी तो यहाँ पर धरातल पर उतारा जा सकता था ना साइंस एजुकेशन करके यहाँ पर बात क्या है कि हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें तो मैं सोसाइटी से हट के पहले घर के भी मतलब जो बेसिक चीज़ है उस पर भी आऊँगी सोसाइटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है पूरी तरह से पैट्रियार्कल है तो हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हम मतलब वेमेन को सुपीरियर बता रहे हैं और पैट्रियार्की के हम अगेंस्ट हैं वो बात नहीं है बेसिक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर घर की हम बात करें सिर्फ अपने घर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लें कि किसी जेंट्स की तबीयत ख़राब है ठीक है मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो जैसे कि घर की लेडीज़ हैं सारी चीज़ें कर रही हैं भाई तबीयत ख़राब है लेकिन माँ की बात कर लें आप अगर तबीयत ख़राब भी होती है तो क्या पता चलता है वो किस तरह से लगी हुई होती हैं घर के कामों में नहीं पता चलता है ठीक है और जाहिर सी बात है बाहर से कभी कोई आया कभी किसी ने ये भी कह दिया कि घर में काम ही क्या है मैं अभी प्रोफेशनल लाइफ जो होती है उससे हट के मैं बात कर रही हूँ कि घर में क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर वो औरत घर में नहीं है तो आपके घर के हालात देख के पता चल जाएंगे बच्चों के हालात जो होंगे घर का होगा है ना बेडशीट भी बदलने के लिए कोई नहीं होगा एक बेसिक चीज़ है ये है ना तो ये चीज़ें एटलीस्ट हम बच्चों को क्लास में भी ये चीज़ें समझाते हैं कि एक सेंस डेवलप हो उनके अंदर कि वो समझे चीज़ों को कि बोथ आर ह्यूमन बींग है ना और जो औरत है दे आर नॉट मशीन दे टू नीड रेस्ट उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जो लेडीज़ होती हैं कभी भी वो चीज़ों का एंजॉय नहीं कर पाती हैं इतने काम होते हैं उनके पास कहती हैं अभी टाइम नहीं है है ना तो उसी के हिसाब से बच्चों को डेवलप किया जा रहा है लड़के भी करते तो सही बात है कि उनके पास मतलब एंजॉय करने के लिए टाइम क्यों नहीं है एटलीस्ट उन मतलब जो औरत यहाँ आई जितनी भी उन औरतों को भी ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह से हमें रहना है ना और मतलब उनके पास मैं यही पूछना चाहूँगी कि टाइम क्यों नहीं है क्योंकि उनको नहीं पता कि हमें अपनी मतलब हमारी अपनी भी लाइफ है ना और हमें खुद भी कुछ करना चाहिए प्रोडक्टिव करना चाहिए जैसे कि एक टीचर ही है जैसे कि मैं हूँ है ना अगर मुझे नॉलेज है मैं बच्चों में वो नॉलेज दे रही हूँ अपने घर में चीज़ों बच्चों को ये चीज़ें सिखाऊँगी अगर एक औरत सिर्फ हाउस होल्ड चीज़ों में रह गई उससे खुद को बढ़ाने का मौका नहीं मिला तो सिर्फ वो उसके लिए वो ड्रॉबैक नहीं होगा वो उसकी पूरी फैमिली के लिए वो ड्रॉबैक है चलिए आपके स्कूल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है जी मेरे ख्याल से इस एरिया में पहली मरतबा ये चीज़ हुआ है मेरा नाम आफरीन इम्तियाज़ है
हमको इस स्कूल का इस प्रदर्शनी देख करके बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए मैं सबसे पहले स्कूल के तमाम इंतज़ामिया को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और यहाँ के जो तालबा जो लड़कियों ने छात्राओं ने जो प्रदर्शनी के बारे में बताया, एक एक लोगों के बारे में बताया कि इस समाज को इन लोगों ने क्या दिया और ये लोग कैसे उठे, कितने मजबूती के साथ कितने इन लोगों ने संघर्ष किया अपने जीवन में और जा करके एक बड़ा नाम हुआ, तो उसके पीछे ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब देख करके छात्रों में तो छात्राओं में ख़ास तौर से एक नई ऊर्जा आएगी और इस काम के लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा लगा और बच्चों ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है और ख़ास करके जो हमारी आधी आबादी है, जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग अच्छी तालीम दे रहे हैं और बच्चे उस सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सही दिशा, अच्छा ये अपने इलाके को आगे बढ़ाने में, खास करके वुमेन्स को एम्पावर करने में कितना मदद करेगा? ये माइलस्टोन होगा आपके मेरे समझ से, क्योंकि एक एक जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में जानना, खास करके महिलाओं के बारे में जानना, उनके योगदान के बारे में जानना, ये इनको काफ़ी एक तरह से बोले उनको काफ़ी एक तरह से उत्साहित करेगी, मतलब एक तरह से मेंटोर का काम करेंगे उनके लिए और उनके आदर्शों को अपने चरित्र में उतार कर काफ़ी अच्छा काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज इस कोलम्बस स्कूल के कैंपस में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस बड़हरिया प्रखंड में इतना सुंदर स्कूल और इतना सुंदर विद्यालय, जो आज इस स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा जो ये पोस्टर बनाए गए हैं और महिलाओं के कृत्य को दिखाया गया है कि हमारे हिंदुस्तानी महिलाएँ, इवन फॉरेन की महिलाएँ, विदेश की भी महिलाएँ, जिन लोगों ने ये कृत किया है उस कृत को दिखा करके हम लोगों के सामने एक्सप्लेन करके बच्चियों ने जो अपना जो इंटरनल एक्सप्रेस किया है उसको देख करके मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए मैं इस स्कूल के सभी टीचर्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल सबको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आनंद किशोर मिश्र अखबारों के लिए पत्रकारिता करता हूँ। मुझे लगता है कि ब्लूमबर्ड्स की जो पहल है, बड़हरिया की पहली पहल है और इस हवाले से मैं यह कहूँगा कि मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक चिराग जलाया है हवाओं के खिलाफ, तो एक जो रूढ़िवादिता क्या है, लकीर का फकीर होना ही रूढ़िवादिता है। और विद्यालयों में और इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन एक जो हमारे समाज की अभिन्न अंग है, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, पतोहू के रूप में है, अनेक रूपों में हमारे साये के साथ रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनको मुखरित करना, उनको उजागर करना, उनकी हक हकूक की बात करना, यह बड़ी बात है। और इस यह कोई बड़ा दिल वाला ही इसको संपन्न करा सकता है। बड़हरिया में ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को फोकस करते हुए प्रदर्शनी लगनी चाहिए। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर वसीमुल हक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही इस विद्यालय की पूरी टीम और इस सोच रखने वाले व्यक्तित्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैंने इन प्रदर्शनियों के देखने के क्रम में जो बच्चे बोल रहे थे उनका इन्फ्लुएंस देख रहा था, फिर बोलने की शैली जो है उसको देख रहा था। मैंने बीच में टोका टोकी की कि आखिर यह रूढ़िवादिता क्या है, आखिर यह पुरस्कार क्या है, आखिर विरंगना क्या है, और तमाम सवालों का मुकम्मल जवाब दिया बच्चों ने। तो मुझे लगा कि बच्चे धरातल की ज्ञान भी रखते हैं, केवल हवा हवाई नहीं हूँ, नहीं है मैं आनंद। ये
बड़ारिया के ब्लूम बर्ड्स स्कूल में जिस तरह का यह प्रोग्राम था उसमें ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। ये बड़ारिया क्षेत्र में पहला स्कूल है जिसमें इस तरह का प्रोग्राम किया गया है। हम लोग आए यहाँ देखे, बच्चों में जिस तरह का टैलेंट देखे, जिस तरह की तैयारियाँ थी, उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे अभी कम उम्र के इतने अच्छे टैलेंट के साथ अपने टैलेंट को दिखाया है, आगे चल के ये बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और देखा जो अपने विचार एक एक करके सब उन्होंने रखा यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड डे के अवसर पर, बच्चे लोग अपना विचार रखे, अपने अपने बारे में एक्टिविटी के बारे में बताए हम लोग को, उनका देख के बहुत अच्छे लगा है ना। और भविष्य में आने वाले दिन में इन लोगों का सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। और मैं जीवन कुमार हैप्पी मठ की बहाली की बजाय हूँ, धन्यवाद। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स ब्लूमबर्ड स्कूल से बहरिया के पूरी इंटायर टीम को थैंक्स कहना चाहते हैं। और बच्चों ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि बच्चों को तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाता है, मगर मुझे लगता है कि ख़ास तौर से बच्चियों के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइज करना, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कराना आगे समाज के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बच्चे आगे जाके और समाज का हिस्सा बनेंगे और बहरिया को और सीवान को, बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद। और मैं नसीमुर रहमान, गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी सीवान का डायरेक्टर, और एक यहाँ हमारा बहरिया में पानीपत फर्निशिंग हाउस का शोरूम है। और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। प्राइवेट स्कूल क्या सिस्टम है और इस तरह के स्कूल में करके बच्चों को उत्साह भरा जा रहा है, जो कि महिलाओं की जो अचीवमेंट है इंडिया में, जो कि वर्ल्ड में उन लोगों को दिखाया जा रहा है, कितना कारीगर साबित हो? देखिए, वोमेंस इंटरनेशनल डे पर यह कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो महिलाओं में प्रतिभा छुपी हुई थी, जो बच्चे अभी जान नहीं पा रहे थे, इस पोस्टर प्रदर्शन के माध्यम से आज तमाम बच्चों के बीच, विशेषकर बच्चियों के बीच यह बताने का प्रयास जो किया गया है काबिले तारीफ है। और इस तरह का कार्यक्रम की हम बहुत ही सराहना करते हैं और हम चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे कार्यक्रमों को अपने तरफ से और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा।